जैसा कि पूर्व निर्धारित था, प्रत्येक रविवार को आप लोगों को हमारे चैनल पर YouTube पर एक अवश्य वीडियो मिलेगा, लेकिन आप लोगों का प्यार और सहयोग और समर्थन देखते हुए मैं बीच में ही ये वीडियो डाल रहा हूं। रविवार को पुनः एक फिजिक्स और एक मैथ वीडियो निरंतर जारी रहेगा। 10 से 11 बजे तक हमारा फिजिक्स का लाइव क्लास होगा, जिसे देखना ना भूले। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, रेलवे पर एक क्वेश्चन भी आप निश्चित बनेगा। और फिर 11:30 से 12:30 हम लोग मैथ की जो कड़ी को चला रहे थे, उस कड़ी को कमजोर विद्यार्थियों के लिए मैं खास ये प्रयास कर रहा हूँ, निरंतर जारी रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्यार और समर्थन इसी तरह बना रहेगा और हम आपके बीच आपके सहयोग के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे, तब तक जब तक आप कर जीवन जो उद्देश्य लक्ष्य है वो आप प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो चले हम लोग देखें ध्वनि, इसको इंग्लिश में हम लोग साउंड कहते हैं। और इसमें आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। एक सेकेंड में कितने बार ध्वनि करते उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एक सेकंड में कितने दोलन को आवृत्ति कहते हैं। और ईश्वर ने हम लोग को जो काने दिए हैं, वो कान में एक लिमिट दिया कि यदि फ्रीक्वेंसी कम से कम एक बार में 20 हो जाए एक सेकंड में, तब सुन सकते हैं। यदि 20,000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाए, एक गिनने में 20,000 से ज्यादा भाई, चाहे वो किसी सोर्स साउंड हो, हम लोग नहीं सुन सकते। जैसे स्टेपलाइजर में आप लोग देखे हैं कि इससे कम वोल्टेज है तो नहीं उठाएगा, और बहुत घर में वोल्टेज आ गया तो ऑटो कट होगी। तो ईश्वर ने कान में ऑटो कट फिट कर दिया, 20,000 से ऊपर हर्ट्ज हम लोग का मनुष्य का कान नहीं सुन सकता और न से नीचे सुन सकते। इसीलिए इस रेंज को हम लोग ऑडिबल रेंज कहते हैं, सुनने की सीमा कहते हैं, इसको श्रव्य तरंग या श्रव्यता सीमा कहते हैं। रेलवे का एक बहुत अच्छा प्रश्न होगा कि मनुष्य की श्रव्यता सीमा क्या है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 20 हर्ट्ज से कभी कभी चॉइस में 20,000 जो आप देख पा रहे हैं, इस 3 जीरो के बदले किलो शब्द का प्रयोग कर देता है। बच्चों को चॉइस में गड़बड़ कराने के लिए इसको 20,000 किलो हर्ट्ज चॉइस ए में दे देगा, ताकि बच्चे एकदम जो रटने वाले हैं तो फटाफट एक्साइटेड रहते हैं कि श्रव्यता सीमा लड़ गया, 20 हर्ट्ज से 20,000 मार दिए, यहां किलो लगाया हुआ था। इस पर खास ध्यान देंगे, अगर किलो लगा देगा तो हम लोग इस 3 शून्य का प्रयोग नहीं करेंगे। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये हमारा अटल रेंज है, शून्य का सीमा है। यदि कोई कंपन ऐसा हो जिसमें एक गिनने में 20 बार से कम कंपन हो रहा है, तो इसे हम लोग इंफ्रासोनिक वेव अब श्रव्य तरंग कहते हैं। मनुष्य अब श्रव्य तरंग को नहीं सुन सकता, इसके एनर्जी लेवल भी बहुत कम होते हैं। कुछ जीव जंतु अब श्रव्य तरंग सुनने में सक्षम, और हम लोग के लिए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 20,000 से अधिक का है। अगर आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाए तो इसे हम लोग पराश्रव्य तरंग, जिसे इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। अब समझ सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव पराश्रव्य तरंग, इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होता है। और आवृत्ति को न्यू से भी हम लोग लिखते हैं या एन से भी लिख सकते हैं। और इनर्जी का मान किसी भी ऑब्जेक्ट में, प्लांक ने कहा कि एच न्यू के बराबर होता है, जहां एच प्लांक कांस्टेंट। मतलब कहने का सेंस है, जितनी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उतनी इनर्जी अधिक होगी। और आपसे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में किसकी ऊर्जा अधिक है, अब श्रव्य तरंग का, श्रव्य तरंग का, पराश्रव्य तरंग का। तो आप आंसर सोचेंगे कि पराश्रव्य की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज है, इसका ये ज्यादा है, इसलिए एनर्जी ज्यादा हो। और एनर्जी ज्यादा होने के कारण हम लोग इसका कई उपयोग भी करते हैं। इसी के ज्यादा एनर्जी का हम लोग फायदा उठाते हैं, हम लोग किसी संकेत को ट्रांसफर करने में, सिग्नल को ट्रांसफर करने में। आपसे पूछेगा किसका उपयोग करेंगे,
तो आंसर सभी परास्रव्य तरंग ही होंगे। तो परास्रव्य तरंग का हम लोग उपयोग करते हैं किसी भी संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में। दूसरा हम लोग देखे हैं इसी का सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग है समुद्र की गहराई मापने, चूंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है तो समुद्र में हम इस सिग्नल को भेज के फिर से उसको रिसीव करते हैं और उसको भेजने और आने में कितना टाइम लगा इससे गहराई निकालते हैं और इस प्रोसेस को सोनार कहते हैं। तो कई बार आपको पूछेगा सोनार क्या है, तो इसको साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहते हैं। और सोनार विधि की सहायता से समुद्र की गहराई हम लोग निकालते हैं। उल्टा क्वेश्चन पूछेगा कि सोनार विधि में किस प्रकार के तरंग का प्रयोग करते हैं, तो आंसर परास्रव्य तरंग हो। अब एक दो महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट उपयोग आपको समझाएं जिसको आप खास ध्यान दें। कल कारखाने के जो चिमनी होते हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्री के चिमनी है, और इस चिमनी में काफी दिन तक अगर धुआं निकलते रहे तो इसमें कुछ गंदगी के परत जम जाते हैं और इसे साफ करना है तो इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी है कि यह साफ करने में सक्षम है। तो कंपटीशन का क्वेश्चन तैयार हो गया, वो लोग तो बैठे रहते हैं कि कहां से प्रश्न पूछे। किस तरंग के उपयोग से चिमनी का कालिक साफ किया जा सकता है, तो आंसर परास्रव्य तरंग हो। अब आप चिमनी का कालिक हम साफ करवा दिए, परीक्षा हॉल में थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा देगा कि वायु यान की खिड़की किससे साफ करें, पूछेगा किस तरंग से वायुयान की खिड़की साफ करते हैं, तो फिर आंसर वही है परास्रव्य तरंग। कई बार आपको यह भी दे सकता है घड़ी के पार्ट्स पुर्जे जो बहुत छोटे छोटे हैं वो घड़ी के पार्ट्स पुर्जे किससे साफ हो सकते हैं, तो सभी का आंसर परास्रव्य तरंग। तो परास्रव्य तरंग आपके मन में आ रहा है, बढ़िया बात है कि ये आखिर हम लोग सुन नहीं सकते तो कैसे इससे हम लोग यूज करते। तो पहली बार परास्रव्य तरंग का खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था इसका नाम था गाल्टन। ध्यान रखेंगे कई लोग डाल्टन नाम सोच के कंफ्यूज रहते, वैज्ञानिक का नाम है गाल्टन और गाल्टन ने एक सिटी बनाया, गाल्टन सिटी भिसिल। और जब वो भिसिल मारे बेजोड़ भिसिल है, मनुष्य को सुनाई नहीं दे और कहे कि भिसिल लगा दी, जीव जंतु पशु पक्षी उसको सुन सकते हैं, उनमें हलचल देखा जा सकता है, मनुष्य कोई सुनाई नहीं देगा। इतना बढ़िया गाल्टन ने प्रेशर के सिद्धांत पर इस भिसिल का निर्माण की। और तब मनुष्य इसका खास आविष्कार करने के बाद ये पाया कि ईश्वर ने कुछ ऐसे जीव जंतु भी जो दिए हैं जो परास्रव्य तरंग खुद से उत्पन्न करते हैं और उसी के भरोसे वो चलते भी हैं, उड़ान भी भरते हैं। और यहां पर आपका रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता है, कौन ऐसा पक्षी है जो परास्रव्य तरंग को उत्पन्न करता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है वो है चमगादड़। चमगादड़ के कान आप देखेंगे पंख के नजदीक होता है, उसके आंख बहुत कमजोर होते हैं फिर भी बहुत अच्छी उड़ान भरता है, सिर्फ रीजन है परास्रव्य तरंग। और परास्रव्य तरंग वो निरंतर अपने मुंह से निकालते रहता है जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता क्योंकि इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक है और हम लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन वो उड़ान के दौरान रास्ते में कौन क्या है इसका पूरा अनुभव अपने कान के द्वारा सुनकर अपने रडार से वो कर लेता है। और इसीलिए चमगादड़ परास्रव्य तरंग का उपयोग उड़ने के दौरान करता है। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग देखे, रेलवे इस तरह का प्रश्न ही आपसे ज्यादा पूछेगा, केवल 20,000 से ज्यादा परास्रव्य करेंगे तो नहीं पूछेगा, जनरल कंपटीशन में आए हो, प्रैक्टिकल व्यू बिल्कुल ध्यान रखिए, व्यवहारिक बातें बिल्कुल ध्यान रखिए, आस पास आप देख रहे हैं उसके रही विज्ञान होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर ने एक ऐसा भी जलीय जीव दिया है चमगादड़ में। अब देखे एक और क्वेश्चन आता है, कौन ऐसा पक्षी है जो बच्चे को जन्म देता है,
अब सोचिए चमगादड़ के कान होते हैं, ये अंडा नहीं देते। अब ऐसे तो आप विवाद भी सोच रहे होंगे, क्या ये पक्षी है तो ये स्तनधारी प्राणी है। अब पक्षी है नहीं है, पक्षी किसको कहेंगे, ये डिफिनेशन विवाद का चीज चले। तो ये स्तनधारी प्राणी है, ये परस्रव्य तरंग उत्पन्न करता है। अब इंपॉर्टेंट एक बात सबसे महत्वपूर्ण आपको समझा दे, जलीय जीव में ये पाया गया कि डॉल्फिन, डॉल्फिन एक ऐसा जलीय जीव है जिसके वोकल कोड नहीं है, साउंड नहीं निकाल सकते, लेकिन अपने थूथने पर लगे हुए जो सिग्नल है उससे ये प्रेशर उत्पन्न करता है जिससे परास्रव्य तरंग यह उत्पन्न कर सकता है और अपने जो भी नियरेस्ट डॉल्फिन है उस तक अपने संकेत को पहुंचा सकता है। तो आपको रेलवे हो गया तैयार है क्वेश्चन लेख, निम्नलिखित में कौन परस्रवित रंग उत्पन्न करता है, तो आपको चॉइस में ध्यान रखना है चमगादड़ और डॉल्फिन। व्हेल मछली पर भी रिसर्च हो रहा है, सभी व्हेल मछली परस्रव्य नहीं निकालते, चॉइस में दोनों रहेगा तो डॉल्फिन ही सही आंसर है, लेकिन अगर डॉल्फिन ना रहे तो व्हेल भी हो सकता है। टिथ व्हेल, दांत वाले व्हेल हैं वे परस्रव्य के बारे में भी रिसर्च हुआ है, वो भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन चॉइस में दोनों रहने पर डॉल्फिन ही ज्यादा अच्छा सही आंसर है, क्योंकि व्हेल के सभी प्रजाति इसको उत्पन्न नहीं करते, डॉल्फिन में सभी करते। तो अब परस्रव्य तरंग के बारे में भी आप समझ लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण है ध्वनि के सभी गुण प्रॉपर्टीज, किसके कारण हम मोटा पतला सुनते हैं, किसके कारण धीरे तेज सुनते हैं, किसके कारण दूर से ही हम पहचान पाते हैं कि वहां पर तबला बज रहा है कि हारमोनियम बज रहा है, किसके कारण ध्वनि में हम बॉक्स सुन रहे हैं तो लगता है कि एक बॉक्स और रहता तो बड़ा मजा आता, ये इंटरफेरेंस ऑफ साउंड क्या होता है, क्यों सैनिकों को पुल पर कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाह नहीं दी जाती है, तमाम एक वीडियो के साथ इसको और देंगे जो होगा पूरे प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, ध्वनि के गुण, और तब ध्वनि से एक क्वेश्चन रहते हैं, उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से निश्चिंत होकर बना सकते हैं। इसमें YouTube पर आपका प्रेम इसी प्रकार बना रहे, कई लोगों के प्रेम और समर्थन देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, संडे था लेकिन आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ तो मुझे लगा कि नहीं आप लोगों के लिए भी मैं हमेशा साथ हूँ, सहयोग करूंगा। जो बच्चे आर्थिक रूप से गरीब है वे लगातार YouTube पर बने रहे, कोई टॉपिक आपको भारी लगता है तो कमेंट्स में उसको लिखे, मैं प्रयास करूंगा उस टॉपिक को आपके लिए बिल्कुल सरल बनाने का ताकि उस टॉपिक से आप आसानी से आंसर दे सके। रेलवे परीक्षा नजदीक जब आएगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल का महत्व ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि परीक्षा जब नजदीक आ जाएंगे तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आपके साथ आऊंगा। अभी तो वर्क के संचालन में जिन्हें डिटेल वर्क करना है, एक बार पूरे समग्र अध्ययन करना है, उनके साथ मैं वर्क में दिन भर रह रहा हूं, लेकिन जिन्हें पूरे सारांश के रूप में एक बार देखना है तो मैं उनके साथ यूट्यूब पर भी अवश्य रहूंगा। उम्मीद है आपका ये वीडियो हमारा आज का पसंद आया होगा, जिन्हें पसंद आया है लाइक और सब्सक्राइब चैनल अगर नहीं किए हैं तो जरूर कर दे, जितने मित्र आप जहां जुड़े हुए हैं अवश्य शेयर करें, दोनों हाथ से तालियां लगती है। कई लोग हमसे बहुत उम्मीद लगाए रहते हैं कि अगला दे, और उनसे जब मैं कहता हूं लाइक करें, उनको जब मैं कहता हूं कि शेयर करें, उन्हें जब मैं कहता हूं सब्सक्राइब करें तो लगता है मैंने किडनी और फेफड़ा उनका मांग लिया। अरे भाई निःशुल्क है, पैसे नहीं लगते इसमें, कर लो, दोनों तरफ से तालियां लगेगी और उस तालियों में आवाज होगी जो रिजल्ट तक सुनाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।